हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? भाई मैं तो बढ़िया हूँ। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल स्ट्रेंथ समथिंग पर। दोस्तों दिन भर के भाग दौड़ के बाद इंतजार रहता है हमें रात का, ताकि बिस्तर पर जाकर आराम से नींद लिया जा सके। सोचिए अगर रात ही ना हो तो कैसा होगी आपकी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ केवल 45 मिनट के लिए ही रात होती है। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में सबसे शांत लोग कहाँ के होते हैं? आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ दुनिया का सबसे लंबा टनल बनाया गया है। ये देश कोई और नहीं दोस्तों बल्कि नॉर्वे है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये देश नहीं बल्कि जन्नत है। तो फिर चलिए बिना देरी किए हम आपको ले चलते हैं नॉर्वे की एक दिलचस्प सफर पर। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नॉर्वे यूरोप का 6ठा सबसे बड़ा देश है और एरिया की बात की जाए तो ये देश 385,260 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भले ही ये देश एरिया में बहुत बड़ा हो लेकिन यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, जो करीब 54 लाख के आसपास होगी। दोस्तों नॉर्वे देश को दुनिया का सबसे शांत देश कहा जाता है। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि शांति नोबेल प्राइज का अवार्ड इस देश की राजधानी ओस्लो में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। नॉर्वे में आपको यहाँ के कुल लैंड में से 70% हिस्सा पहाड़ी ही पहाड़ी और हरियाली ही दिखेगी आपको। दोस्तों आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि नॉर्वे में करीब 50,000 से ज्यादा द्वीप मौजूद हैं। दोस्तों भले ही पूरी दुनिया इसे नॉर्वे के नाम से जानता हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। दोस्तों नॉर्वे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां रात को भी सूरज दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो इस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के उत्तरी भाग में रात के 12:45 पर सूरज छिप जाता है और महज 40 मिनट के बाद ही सूरज उग भी आता है। भाई कमाल है ये देश, है ना? उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होने के कारण यह देश बहुत ठंडा, बर्फीला और ग्लेशियर से भरा है और यही इस देश की खूबसूरती का मुख्य कारण भी है। दोस्तों आपको बता दूं कि नॉर्वे के लोग दुनिया में किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। यहाँ हर साल 2000 से ज्यादा किताबें पब्लिश की जाती है और यहाँ के लोग शाम के वक्त ज्यादातर आपको लाइब्रेरी में ही समय बिताते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों क्या आप यह सोच भी सकते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हर एक बंदे की साल भर की कमाई का लेखा जोखा आपको एक वेबसाइट पर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस देश के लोग कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, ये सब जानकारी आपको एक वेबसाइट पर मिल जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है नॉर्वे 2017 में अपने देश में FM रेडियो पूरी तरह से बैन कर देने वाला पहला देश है। नॉर्वे की आधिकारिक भाषा है नॉर्वेजियन, लेकिन आपको बता दें कि ये दो तरह की है। भाषा एक ही है लेकिन बोली अलग अलग तरीके से जाती है। एक तरीके को कहते हैं वॉकमन और दूसरे तरीके को कहते हैं निनॉक्स। दोस्तों आपको ये बात जानकर बेहद ही आश्चर्य होगी कि यहाँ अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो उसे फांसी नहीं होगी और ना ही उसे उम्र कैद होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी सजा है 21 साल की कैद और जैसे ही आपके 21 साल पूरे हो जाएंगे आप रिहा हो जाएंगे। दोस्तों नॉर्वे देश इतना खूबसूरत है कि आपको दीवाना बना देगी। यहाँ की वादियों में एक अलग सा दीवानापन है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नॉर्वे में वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओस्लो की, जो नॉर्वे की राजधानी शहर है। कहा जाता है कि यहां की नाइट लाइफ सैटरडे के दिन से शुरू होती है। यहां पर यंगस्टर आते हैं और रात भर पूरी मस्ती करते हैं। यहां लेट नाइट पार्टी करना अलाउ है। दोस्तों साथ ही यहाँ पर ओस्टफोल्ड और वेस्टफोल्ड नामक दो जगह है जहाँ पर आप बर्फ का भरपूर मजा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक हेल नामक जगह मिलेगी जो घूमने के लिहाज से बेहद ही खूबसूरत और पॉपुलर जगह है। दोस्तों लोफोटेन एंड नॉर्डलैंड यहाँ के दो खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप वर्गन एंड द वेस्टर्न जॉर्ड, द स्टेवेंजर रीजन जैसे खूबसूरत जगहों का मजा ले सकते हैं, जो अपने आप में ही एक बेहद खूबसूरत और दिलचस्प जगहों में से एक है। तो दोस्तों ये था नॉर्वे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।